थी वो बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच पे हुई, जिसमें मेरी तरफ से एसएफ हाजी साहब उसमें पेश हुए और उन्होंने जो वहां की मौजूदा हालात थी वो सारी कोर्ट को बताई और उसमें हमने स्टे के लिए प्रेस किया। लेकिन कोर्ट के इतने सरकारी वकील ने ये कहा कि 8 हफ्ते तक अभी हम लोगों को समय लगेगा जो ऑब्जेक्शन आए हैं उसको डिसाइड करने के लिए। कोर्ट ने उसको आधार मानते हुए कहा कि 8 हफ्ते तक तो शायद ये कुछ भी इसके अंदर अभी एक्शन नहीं देंगे, ऐसा वो उससे सबमिशन कर रहे हैं, इसलिए उसमें स्टे नहीं दिया। उस्मानाबाद और औरंगाबाद की दोनों पिटीशन अलग कर दी गई है। उस्मानाबाद को 20 तारीख मेरे ख्याल से मिली है और औरंगाबाद को 24 अप्रैल 2023 को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। अब इसके अंदर जो है 24 तारीख को कोर्ट सुनेगा ये सारा मसला और स्टे अभी फिलहाल हमको नहीं मिला है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि सरकारी वकील का जो सबमिशन है उसको वो आधार बनाएंगे। दोनों पक्षों की तरफ से, मुश्ताक साहब की तरफ से और मेरे तरफ से, खाजी साहब ने, मुशाला साहब ने सारे जो भी प्रूफ थे वो नए जो उसमें डेवलपमेंट्स हुए वो भी सारे पेश किए कोर्ट के सामने। तो अभी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 24 अप्रैल 2023 को है।